हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन की जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्क्रीन होती है बहुत ही बोरिंग होती है और दोस्तों हम इसे चेंज भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने फ़ोन की बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर एक अट्रैक्टिव कलर स्क्रीन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे जो कलर स्क्रीन लगी हुई है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल आ चुका है और जो कलर स्क्रीन है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक थीम सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे और भी अट्रैक्टिव थीम आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपनी कलर स्क्रीन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, उसके बाद इस घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। दोस्तों, एप्लीकेशन में कई सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है कलर फोन प्लस। जैसे ही दोस्तों आप टाइप करके सर्च करेंगे एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आइकॉन और इसकी रेटिंग 4.7 की बहुत ही अच्छी रेटिंग है, तो हम इसे इंस्टॉल कर चुके हैं, तो ओपन करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ इस ऐप की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कलर फोन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आपको इनेबल इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इनेबल इट नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे उसके बाद आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग में आपको कलर फोन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ से अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब तो दोस्तों यहाँ पर कई थीम है जिन्हें अप्लाई करने के बाद आप अपनी कॉलर स्क्रीन को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो जो पसंद आए थीम आपको, उस थीम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको थीम पे क्लिक करना है। जैसे आप थीम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक 30 सेकंड का या 20 सेकंड का ऐड आएगा, तो दोस्तों आपको वो ऐड पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप थीम को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सेकंड का ऐड आ चुका है जो कि ख़त्म होने वाला है। तो ऐड खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस वाला बटन बना हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, आपको ऐड पूरा देखना है। ऐड पूरा देखने के बाद यहाँ पे जो क्रॉस वाला बटन बना हुआ है आपको इस क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से थीम पे क्लिक करना है। जैसे आप थीम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी थीम अप्लाई हो चुकी है। अब दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है आप ये थीम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति पर या सभी कॉल पर। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं यानी लगाना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करके आप उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आप लगाना चाहते हैं थीम को, और उसके बाद सेट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सभी कॉल पर ये सेट हो, तो उसके लिए आपको सेट फॉर ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेट फॉर ऑल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों ये थीम सभी कॉल पर सेट हो चुकी है, लेकिन इस थीम को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स का, तो आपको इस सेटिंग को सर्च करना है और इसे ओपन करना है। इसे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कलर फोन एप्लीकेशन सर्च करना है और इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर परमिशन का, तो आपको अदर परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अदर परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले पॉपअप विंडो, तो दोस्तों आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये परमिशन एक्सेप्ट आपको कर लेनी है। परमिशन एक्सेप्ट करने के बाद अब दोस्तों मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बोरिंग कॉलर स्क्रीन को हटा के एक अट्रैक्टिव कॉलर स्क्रीन लगा सकते हैं। देख सकते हैं कई सारे वहाँ पे थीम थे, तो आपको जो पसंद आए थीम यहाँ से आप अप्लाई करके यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।